नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 धांधली को लेकर के। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए मुहिम शुरू कर दी, अभियान शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए हैं कि इस भर्ती परीक्षा में जाँच करवा करके और इसकी जो है परीक्षा रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जो कि ट्विटर अभियान शुरू कर दिए हैं। कई तरह की सूचनाएं आपको समाचार पत्रों के माध्यम से मिली थी। आप लोग जानते हैं 7 अगस्त को पहली पाली में अंबेडकर नगर में क्या हुआ था। लगभग 600 छात्र वहाँ पर सेंटर में थे। उन छात्रों ने इसी पेपर लीक वगैरह को लेकर के और भर्ती में धांधली को लेकर के जो है वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं मतलब एग्ज़ाम नहीं दिए और परीक्षा का बहिष्कार किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें, हजारों ऐसे छात्र हैं जो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि इस भर्ती मामले को लेकर कोर्ट ले जाया, कोर्ट से इस पर फैसला हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में कुछ चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं जो आंसर की वायरल हुई हैं और जो गिरोह पकड़ा गया उन्होंने क्या क्या है, किस तरीके से धांधली होती है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जो है वीडियो सुनिए। सर, मैं धर्मेंद्र कुमार पिछले 5 वर्षों से डॉक्टर के एल पटेल के साथ भर्ती परीक्षाओं का कार्य कर रहा हूँ। तत्पश्चात 2 साल बाद उनका साथ छोड़ करके हम लोग अपना 8-10 लोगों का गैंग अलग से बनाए हैं। ये भर्ती परीक्षाओं का काम ऐसे कर रहे हैं कि हर कैंडिडेट से 12-15 लाख का डिमांड है और ये हम लोग जो है पेपर से कॉलेज से पेपर निकालते हैं, उसके बाद सॉल्व करा के कॉलेज के ही मैनेजमेंट द्वारा पर्ची पहुँचा के उनको रंगीत कराते हैं। तो दोस्तों ये सरगना था जो प्रयागराज में पकड़ा गया था और उन्होंने खुद बताया कैसे कैसे यहाँ पर नकल करवाई जाती, कैसे कैसे धांधली की जाती। इनका ये कहना है कि 4-5 साल पहले के एल पटेल, 69 शिक्षक भर्ती का मास्टरमाइंड के एल पटेल आप लोग जानते होंगे, उनके साथ उनके गिरोह में काम करता था ये सारे, और इसके बाद वहाँ से अलग हो गए 2 साल पहले और इन्होंने 8-10 गिरोह लोग मिल करके अपना एक अलग गिरोह बनाया। और धांधली किस तरीके से होती थी इसके बारे में इसने बताया कि जो है कॉलेज से मिल करके ये लोग क्या है परीक्षा से पहले ही मॉर्निंग में या किसी भी टाइम जब भी कॉलेज से संपर्क मतलब हो जाए, बातचीत हो अपना, तो कॉलेज से ही पेपर निकलवा लेते थे। पेपर निकलवाने के बाद उसको हल करवाते थे। हल करवाने के बाद पेपर को कॉलेज के मैनेजमेंट द्वारा ही वो छात्रों तक चिट के रूप में या किसी तरीके से उन तक पहुंचा दिया जाता था। इसके साथ ही दोस्तों और भी कई जगह ऐसे सबूत मिले हैं जहां पर पेपर में ही पूरी जो आंसर की है वो लिखी हुई थी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर का पेज है। आप लोग जानते होंगे जब आपको पेपर मिला था तो उसमें एक पेज रफ के लिए छोड़ा गया था जो स्टार्टिंग में ही था। तो यहाँ पर देख लिए लिखा हुआ, ऊपर लिखा है आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि स्पेस फॉर रफ वर्क। और यहाँ पर देखिए आप लोग सभी के जो आंसर है वो नीचे दिए गए हैं कि पहला का क्या उत्तर है, सेकेंड का क्या है। तो ये इस तरीके से देखिए पूरे उत्तर यहाँ पर दिए गए, लगभग मुझे देखा जाए तो 114 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे गए। 114 प्रश्नों के उत्तर अगर सही मिल गए तो कोई भी अभ्यर्थी है वो पास तो कर ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर की भी वायरल की गई है और अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो है इस तरीके से धांधली यहाँ पर की गई, पेपर में ही पूरी आंसर की मिल गई है। हालांकि चयन बोर्ड ने इसको लेकर के नोटिस जारी की थी कि जो आंसर की ये है ये आंसर की चयन बोर्ड के मास्टर आंसर की से मैच नहीं खाती है। इस वजह से चयन बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया कि इस भर्ती में कोई भी धांधली नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर धांधली की शिकायतें खूब मिली हैं और आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में तदर शिक्षक भी शामिल हैं और तदर शिक्षकों को लेकर के कई तरह के से कयास लगाए गए, कई तरह से अनियमितताएँ की सूचनाएं निकलती रहीं लगातार बार बार। और सरकार ने चयन बोर्ड ने जो है नोटिफिकेशन में जन मंडल स्तर पर परीक्षाएं करने के बावजूद भी जिला स्तर पर परीक्षाएं करवाई कि बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने इसका विरोध भी किया कि परीक्षाएँ जो हैं वो जनपद स्तर पर नहीं होनी चाहिए, मंडल स्तर पर होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बात को और चयन बोर्ड ने इस बात को नहीं माना। हालांकि इसके लिए कोर्ट केस भी अभ्यर्थियों ने किया था, युवा मंच द्वारा कोर्ट केस भी किया गया था जहां से भी कोर्ट ने आदेश दिया कि जो परीक्षाएं वो जिलों में ही हों और हालांकि उसका जो पूरा सतर्कता है वो बढ़ती जाए। लेकिन होता क्या है, होता कुछ नहीं है, लिखा मतलब कागजी कार्रवाई कुछ अलग होती है, वास्तविकता कुछ अलग होती है, सबने उस चीज़ को देखा होगा।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार ट्विटर पर हैशटैग चलाए हुए हैं कैंसल यूपी टीजीटी एग्जाम 2021। देखिए एनडीटीवी ललन टॉप को टैग किया, लिखा यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई, यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर में जो रफ वर्क के लिए जगह होती है उस पर पहले से ही 125 आंसर लिख दिए गए, ये देखिए। तो यहाँ पर प्रूफ भी ये देखिए इन्होंने अटैच किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देखिए यहाँ पर जो है वो मतलब ट्विटर की ट्वीट किया हुआ, यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर लिखा ट्वीट किया हुआ है यूपी टीजीटी रद्द हो, कैंसिल यूपी टीजीटी एग्जाम 2021, इस तरीके से हैशटैग का प्रयोग करते हुए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो ट्विटर अभियान चलाए हुए हैं। मंडल स्तर पर परीक्षा ना होने पर जो नियमितता देखने को मिली उसके हिसाब से परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और अलग अलग मंत्री अधिकारी न्यूज चैनल को ये लोग टैग करके जो है परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर धांधली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर ब्लूटूथ से नकल, कहीं पर वाईफाई से नकल, कहीं पर आंसर की से नकल, बहुत सारे तरीके अभ्यर्थियों द्वारा अपनाए गए। अब दोस्तों मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को और मुख्यमंत्री को लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेटर है, इसमें लिखा है कि सेवा में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, लेकर टीजीटी 2021 भर्ती में हुई अनियमितता को संज्ञान में लेने व अंबेडकर नगर सहित व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। लेकिन प्रस्तुत पत्र के माध्यम से आपका ध्यान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 7 और 8 को संपन्न हुई परीक्षा में जनपद अम्बेडकर नगर के किसान इंटर कॉलेज में पेपर आउट समेत प्रदेश भर में व्यापक धांधली की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। गौरतलब है कि उक्त किसान इंटर कॉलेज में 600 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा का पेपर आउट होने की वजह से छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार किया गया। अवगत कराना चाहेंगे प्रदेश भर के छात्रों के विरोध के बावजूद मंडल स्तर पर पूर्व में आयोजित होने वाली परीक्षा को नियम विरुद्ध तरीके से जिला स्तर पर आयोजित करवाया गया। ऐसे विद्यालय में जानबूझ के परीक्षा केंद्र बनाया गया जो उक्त परीक्षा के आयोजित कराने के मानक के स्तर के ही नहीं थे, यहाँ तक कि तदर शिक्षक युक्त विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर शिक्षक बड़े पैमाने पर इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे। ऐसे में परीक्षा केंद्र बनाने का इसीलिए छात्र विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें आशंका थी कि तदर युक्त विद्यालयों में प्रबंधकों, शिक्षा माफियाओं एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मिली भगत से धांधली की प्रबल संभावनाएं थी। तो इस तरीके से छात्रों ने जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, कि भर्ती परीक्षा की जांच करवा करके दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं पर ट्विटर पर अभ्यर्थियों ने अभियान चलाया हुआ है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। इस मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।